नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। आपके सामने मुद्दा है, कहने की आवश्यकता है नहीं, समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं। सिंपल सी गणित यह है कि अपने घर में या किसी घर में कोई जानवर मर जाता है ना, उस घर में सामने कहा है और मैं कह रहा हूं प्रशासन को आराम से कान खोल के सुन ले कि दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और मैं खुद वही बैठा था और हमने उस FIR को पूरे तथ्यों के हिसाब से लिखवाया। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार इस बात को ध्यान से सुनना। जो आदमी यहाँ 12 साल से है, जो आदमी कभी शराब नहीं पीता, जिस आदमी का किसी से कोई झगड़ा नहीं है, उस आदमी को गला काट के सुबह सुबह हत्या कर दी जाती है, उसकी लाश यहाँ पड़ी रहती है और ये लोग तेल बेचते रहते हैं और शाम को 14 घंटे तक कोई FIR नहीं होती। उस आदमी के परिवार को ये पेट्रोल पंप वाले अपनी तरफ से गाड़ी भेज के जान बूझ के गांव पहुंचा देते हैं ताकि कोई ब्लड रिलेटिव यहाँ नहीं रहे और उसकी कोई FIR कराने वाला नहीं हो। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कल भवानी सिंह की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या डिमांड है आपकी? मामला ये है कि पेट्रोल पंप पे 12 साल से एक गरीब परिवार का बच्चा काम कर रहा था और पुलिस उसको उसकी मौत को गुमराह कर रही है, उसको दूसरा रूप देने का कोशिश कर रही है और उसको न्याय दिलाने के लिए आज ये सब लोग युवा साथी यहाँ सब विराजमान है। उसके प्रति सबसे बड़ी बात तो ये कि मानवीयता खत्म हो गई इस पेट्रोल पंप मालिक की भी और इनके कर्मचारियों की। हत्या होने के 24 घंटे बाद भी पेट्रोल पंप को शुरू कर रखा है, यहाँ डीजल बेच रहे हैं। और आप देखिए कि हम सबकी ये मांग है कि उस परिवार को मुआवजा मिले और जो भी दोषी है उनकी SIT टीम गठित करके जांच और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। आपकी इस मामले में कोई प्रशासनिक अधिकारियों से या पुलिस अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? देखिए, हमने समय दिया था 6 घंटे का और लगभग पूरा होने को भी है। ADM साहब को हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे वो आए और ये जो भी हमारी मांगे हैं, परिवार को 50 लाख रुपए के लगभग मुआवजा दें सरकार की ओर से, उसके परिवार को नौकरी दें क्योंकि अनाथ छोटे छोटे बच्चे उसके हैं, पीड़ित परिवार है, बूढ़े माँ बाप हैं, आगे पीछे कोई वो यहाँ 1500 रुपए के किराए में मासिक में मकान लेके रह रहा था, अपने बच्चों को पाल रहा था, आज उसकी इस प्रकार निर्ममता से हत्या कर दी गई, पुलिस उसका दूसरा रूप दे रही है। और विशेष रूप से हम ये पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहेंगे कि उनकी ढिलाई की वजह से जिस प्रकार यहाँ आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों का यहाँ फल फूलना और उन गतिविधियों को बढ़ावा मिलना, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का भी और प्रशासन का भी ये फेल्योर है। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि जब तक ऊपर से अंकुश नहीं लगेगा कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यहाँ जो लोग बाहर के लोग यहाँ आके बस रहे हैं, UP-Bihar से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यहाँ खुलेआम नशे का व्यापार कर रहे हैं, नशा बेचा जा रहा है, सबको पता है लेकिन आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। इन सभी मांगों के साथ में इसको न्याय दिलाने के लिए सभी युवा साथी यहाँ।